इतना क्या मोह पुराने धनुष से? बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हमने। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। हे महाप्रभु रुकिए। ये दोनों दशरथ पुत्र मेरी छत्रछाया में है। इन दोनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इनके पिता ने मुझे सौंपा है। प्रभु यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज दशरथ को क्या उत्तर दूंगा? देख रहे हैं इस अभिमानी, इस उदंडी को विश्वामित्र कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, कैसे मेरा उपहास कर रहा है। ये जानता नहीं है उस परशुराम को जिसकी एक गर्जना से यह धरती कांप उठती है। सुनी है आपकी ऐसी आत्मा को कपा देने वाली अनेकों कथाएं सुनी है मैंने। भयभीत तो मैं कभी हुआ नहीं, परंतु प्रत्येक कथा का निष्कर्ष सदैव यही निकला कि इतना अनियंत्रित क्रोध, इतना अनैतिक अहंकार तो केवल एक राक्षस में हो सकता है। आश्चर्य है कि आप एक ऋषि हैं। जाइए महर्षि, मैं आपको केवल इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप मुझे रघुवंश पर नहीं चाहिए। बस, बस। विश्वामित्र, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? सम्मान परिस्थिति और स्थान देखकर किया जाता है महोदय, और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता के शुभ विवाह के अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। फिर आप चाहे आप ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, आपके समक्ष ये लक्ष्मण खड़ा है। आप होंगे होंगे संसार के भगवान, मेरे भगवान। मेरे भैया प्रभु श्री राम ही है। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। यदि किसी ने भी श्री राम की ओर एक भी अशुभ पग बढ़ाया तो या तो उसके पग मेरे बाण रोकेंगे या मैं स्वयं उसके बाणों की आहुति चढ़ जाऊंगा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण की, इसके पिता से मेरी ओर से क्षमा मांगना ब्रह्म ऋषि, क्योंकि मैं उन्हें संसार का सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक देने जा रहा हूं।
श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम मैं धनुष भंग होने का कारण आदर सहित स्पष्ट कर चुका हूं प्रभु और विनय पूर्वक अपनी भाई की अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूं। दया कीजिए प्रभु। जब मृत्यु सामने आई तो क्षमा याचना करने लगे। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है राम कि परशुराम की झोली में क्षमा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर। मैं आपके पग की धूल भी नहीं हूं, किंतु यदि प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का ये शिष्य रघुवंशी राम आपको उत्तर देने में विवश होगा। मैं वही करूंगा जो उचित है प्रभु। अंतिम श्वास तक आपसे युद्ध। युद्ध? वो भी मुझसे? परशुराम से? जिसने कार्ती वीर अर्जुन की 998 भुजाएं काट कर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, उस परशुराम से, परशुराम से, जिसे बिना तोड़े धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना नहीं आता, वो इस परशुराम के समक्ष शस्त्र उठाएगा। नाक को तोड़ने का मद रखने वाले बालक ये श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। महादेव के धनुष को तो तुमने भूल से तोड़ दिया, अब इसे उठाओ और चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा। अभिमानी बालक, दिखाओ अपने बल को, कितना बल है तुम्हें। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तुम इसके भार को सह भी नहीं पाओगे। अरे चढ़ाओ प्रत्यंचा ताकि सब देखें कि अयोध्या का बल इसके भार के नीचे कैसे कुचला गया। जो आज्ञा ऋषिवर।
अहंकारियों को 21 बार इस धरा से मिटाने के बाद भी मैं अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा पाया। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। अब समझा कि कैसे आप शिव का धनुष उठाने में सक्षम हुए। श्री रामचंद्र की जय। 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 ये जय जयकार नए युग का शंखनाद है। त्रेता युग में उगे नए सूर्य का। अनजाने में ही सही, परंतु सत्य कहा मैंने कि अब इस भूलोक में दो राम नहीं रह सकते। अब उस राम की आवश्यकता है जो हर रूप में संपूर्ण है। उस परशुराम की नहीं जो आवेश और क्रोध के कारण अपूर्ण है। भगवान परशुराम, वसंत के आने से ग्रीष्म का महत्व तो कम नहीं हो जाता, वैसे ही राम के आने से परशुराम का महत्व तो घट नहीं जाता। इस संसार को आज भी आपकी आवश्यकता है। चिरंजीवी बनके एक महागुरु के रूप में आपको युगों युगों तक रहना है। महान योद्धाओं को युद्ध की कला और योग का ज्ञान देना है। जो कुछ आपने महादेव से ग्रहण किया है उसे जनमानस को देना है, मानवता को देना है। अब इस बाण का क्या करूं ऋषिवर, जो इस धनुष पे चढ़ाया है। मैं जानता हूं राम कि धनुष पर चढ़ाया बाण लौटाया नहीं जा सकता। अब इसे लक्ष्य देने की आवश्यकता है। तो बताइए ऋषिवर, क्या लक्ष्य भेदू इस बाण से। आप तो चिरंजीवी हैं, तो ये बाण या तो आपके तप की शक्ति को काटेगा या मन से विचरण करने की शक्ति को। पूरे आर्यावर्त और दक्षिणात्य में महारथियों को ज्ञान देने और हिमालय से दूर दक्षिण तक अनेक आश्रम स्थापित करने में मन की गति का सहयोग होगा। इसलिए इस पर कृपा कीजिए और उस तपोबल पर प्रहार कीजिए जिसके कारण मुझ में अहंकार आ गया था। राम, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़िए ताकि मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या कर सकूं, समुद्र में डूबी वो भूमि पुनः प्राप्त कर सकूं जो वामन अवतार द्वारा असुर राजा महाबली को पाताल भेजते समय जल में समा गई थी। जाते जाते धर्म स्थापना और अधर्म के विनाश का दायित्व आपको सौंपकर मैं आपसे विदा लेता हूं राम, विदा लेता हूं। जो आज्ञा प्रभु। मिथिलेश जनक, महादेव का धनुष भी साध लिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी मिल गया। बस अब किस बात का विलंब, पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए। Thank you.
जन्म जन्म का है ये संगम राम रतन सीता वैभव धन एक है पौरुष एक समर्पण एक है रूप तो दूजा दर्पण राम है लोचन सीता दृष्टि राम है बादल सीता वृष्टि करती उनकी पूजा राम से आसा प्रेम न दूजा मैं जनक नंदिनी सीता आपको अपने वर स्वयं को आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करती हूँ। ऐ जीवन के हर लाभ हानि सुख दुख और धूप छांव में आपकी संगिनी बनकर रहूंगी। अब केवल मृत्यु ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। जनक पुत्री सीता की जय। 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 हो सोहती सिए राम के जोरी छवि सिंगारू मनहुं एक ठोरी सखी कहहिं प्रभु पद गहु सीता करती न चरण परस अति भीता आपने मुझे अपना अर्धांग चुना है अर्थात हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करेंगे आज से मैं आप हूं और आप मैं ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना स्वामी ना सेवक हर स्थान हर मान में हम दोनों समान होंगे देवी के मुख को देखकर प्रतीत होता है कि मन में कोई शंका है शंका नहीं उत्सुकता है महादेव परशुराम तो स्वयं नारायण के अवतार थे तो फिर वो श्री राम को पहचान कैसे नहीं पाए और उन्होंने क्रोध क्यों किया और एक ही समय में विष्णु के दो अवतार संभव हैं? देवी ये तो उचित नहीं है मुझ भोले से एक साथ इतने सारे प्रश्नों का उत्तर चाहती हैं आप मैं एक एक करके उत्तर देता हूं सत्य तो यह है कि भगवान परशुराम ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि वो नारायण का पूर्ण अवतार है परंतु आवश्यक यह था कि यह संसार भी जान ले कि वो कोई साधारण राजकुमार नहीं अपितु स्वयं नारायण है यही कारण है
कि भगवान परशुराम ने श्री राम के समक्ष विष्णु के धनुष सारंग पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती रखी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ये संसार श्री राम के बल और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर सके। रही बात दो भिन्न अवतारों की, तो यदि लक्ष्य भिन्न हो तो नारायण अवश्य ही दो अवतार भी ले सकते हैं। जहां एक ओर भगवान परशुराम ने सतयुग में धर्म और न्याय की स्थापना हेतु अवतार लिया, वहीं त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने मर्यादा की स्थापना हेतु अवतार लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। अब कथा में आगे बढ़िए ना महादेव, मुझे श्री राम और सीता का विवाह देखना है। देवी, इतनी आतुरता अच्छी नहीं, आप अपनी अधीरता के रथ को तनिक थामिए। हम सीता और राम के विवाह की बात कर रहे हैं। कितने प्रबंध करने होते हैं, कितने काम होते हैं, उसमें अभी समय लगेगा। परंतु तब तक मैं अपनी प्रिय का मन बहलाने के लिए आपको इसी कथा के एक अन्य पात्र की कथा सुनाता हूं। कौन है वो? मेरा परम भक्त लंकापति रावण, जो अब तक ना तो सीता स्वयंवर में हुए अपने अपमान को भूला था, और ना ही भूला था देवी सीता के अप्रतिम सौंदर्य को। तब क्या किया तुम्हारे उद्दंड पति ने? भैया वो कल रात लौट आया। तुम यहां क्या कर रहे हो विद्युत जीवा? क्या एक पति को अपनी पत्नी, एक पिता को अपने पुत्र के पास होने का कोई अधिकार नहीं है? जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ विद्युत जीवा, अन्यथा भैया तुम्हारे प्राण ले लेंगे, क्योंकि वो अपना अपमान कभी भी नहीं भूलते। अपमान तो मेरा किया है तुम्हारे भाई ने, क्या अधिक चाहा था मैंने? एक छोटा सा राज्य ना। राज भिक्षा में नहीं मांगे जाते विद्युत जीवा, बल्कि बल और साहस से अर्जित किए जाते हैं, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं था। आज की बात करो सुपर्णखा। अब मैं वो दुर्बल विद्युत जीवा नहीं रहा, अब मेरे पास माया युद्ध का छल भी है और दैत्य काल के का बल भी। ये काल के? हाँ, काल के अस्त्र। मैं रावण से डरकर भागा नहीं था सूर्पणखा, मैं तो सज्ज हो रहा था उसका सामना करने के लिए। धरा से नीचे गहराई में पाताल और रसातल के मध्य एक नगर है, आसमानगढ़। मायावी नगर है वो, जो रक्षित है नीवट कवच दानवों द्वारा, जो माया युद्ध में प्रबल हैं। और अकेला नहीं हूं मैं, रावण के भय से छुपे आसमानगढ़ में मेरे संबंधी दैत्य काल के भी मेरे साथ हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे ये काल के, क्योंकि स्वयं काल मेरे महाशक्तिशाली भाई का दास है। महाशक्तिशाली? अरे तो कहाँ है सीता, कहाँ है शिव धनुष? हाँ,
उसकी शक्ति का प्रदर्शन पूरे संसार ने मिथिला में देखा था। अब समय मेरा है, लंका अब मेरी होगी, रावण का अंत होगा। मूर्ख हो तुम, देव असुर यक्ष गंधर्व, कोई भी मेरे भाई को मार नहीं सकता। मार नहीं सकता तो बंदी बना लूंगा, पर रक्तपात से क्या लाभ है? अरे जाओ जाओ, जाकर समझाओ अपने भाई को, सिंहासन त्याग कर मुझे सौंप दे, अन्यथा मेरे पास दूसरे मार्ग भी हैं। भैया, मैं आपका अहित होते हुए नहीं देख सकती, मैं आपका घात होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आपको सावधान करने चली आई। क्षमा कर दीजिए विद्युत जीवा को, मूर्ख है वो, पर मेरा पति है। भैया, आपका ये मौन मुझे भयभीत कर रहा है भैया। अरे मर बोला है वो। बड़ बोला, पहली बार सही बोला। सत्य है, मैं लंका के सिंहासन योग्य नहीं। बुलाओ उसे, कहो कि रावण सिंहासन त्याग कर वनवास जाना चाहता है। मनी तुम समधन्य न को, राम लखनु जिन्ह के तनय विश्व विभूषण दो। हो पूछन जो गुण तनय तुम, सिंधती हूँ पुर उजियारे, जिन्ह के जस प्रताप के आगे, ससिमल नरवि शीतल लागे। अयोध्या राज की जय हो। महाराज, मिथिला से आपके लिए संदेश है। अयोध्यापति दशरथ को मिथिला नरेश जनक का प्रणाम। आपको पूर्व में मेरी पुत्री के स्वयंवर के विषय में सूचित किया गया था, पर आपने आने में असमर्थता दिखाई, क्योंकि आपके पुत्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ थे। महादेव की कृपा और माँ गौरी के आशीर्वाद से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को स्वतः स्वयंवर में ले आए, और जब संसार का कोई शूरवीर शिव धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ा पाया तो ब्रह्म ऋषि के आदेश से आपके सुपुत्र श्री राम ने चुनौती पूरी कर दिखाई। और कुमारी सीता को अयोध्या की वधू बनने का सौभाग्य दिया। ये पत्र मैं अयोध्या के राजा को नहीं, अपने संबंधी को लिख रहा हूं। अपने ज्येष्ठ पुत्र के विवाह को अपना शुभ आशीष और अनुमति दे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का अनुरोध और हम सबकी मनुहार है कि आप अयोध्या के सभी राजकुमारों सहित इस विवाह में सम्मिलित हों। राजर्षि परिवार जनक मिथिला, निवेदक आर्यव्रत। दशरथ नंदन की, दशरथ नंदन की, दशरथ नंदन की। मेरे राम ने गर्व से मुझे शिखर पर बिठा दिया है। क्या कही सुमित्रा? कौशल्या, सुना तुमने?
महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है मेरे राम ने। हमारे राम ने ये कार्य यदि कोई कर सकता था तो केवल हमारा राम। कदाचित मैं उसका ये शौर्य देख पाती, भरी सभा में उसे गले लगाकर उसे बधाई दे पाती। दीदी हमारा राम, सुमित्रा। तो ऋषि जवाली क्या कहती है अयोध्या की नीति? क्या एक पुत्र के विवाह के लिए राजा अपने राज्य को छोड़कर जा सकता है या नहीं? अति शीघ्र महाराज, परंतु उससे पहले एक शिष्टमंडल नव संबंधियों के साथ उपहार समेत भेज देना चाहिए। तो उस शिष्टमंडल को तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जी। ब्राह्मणों और पुरोहितों के दल को मिथिला की ओर प्रस्थान करने के लिए कहें। राजा जनक को सूचित किया जाए कि समस्त अयोध्या अपने राम के विवाह की साक्षी बनने के लिए मिथिला आ रही है। समय व्यर्थ ना करें ऋषि जवाली, मेरे राम का विवाह है, विलंब ना हो। जैसी आपकी आज्ञा। महामंत्री सुमंत्र, अयोध्या के सभी रथों को सज्ज कीजिए और उन्हें उपहारों से लाद दीजिए। जो आज्ञा महाराज। देवी कौशल्या, नव विवाहितों के स्वागत के लिए अयोध्या को एक नव वधु की तरह सज्जित कर दीजिए। देवी सुमित्रा, भरत और शत्रुघ्न को संदेश भेजा जाए कि वो शीघ्र अति शीघ्र मिथिला पहुंचे। कैकेयी, उत्सव की घड़ी आ गई है, सभी प्रबंधों को देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं गुरुदेव वशिष्ठ से मिलकर आता हूं, ये विवाह उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। जी महाराज, मेरे राम का विवाह है, मेरे राम का। मेरे राम का विवाह होने जा रहा है, मेरे जीवन की सबसे शुभ सूचना है। मंत्र, मेरी चूड़ामणि कहाँ है? इतने वर्षों से अपनी वधू के लिए संभाल के रखी थी। विवाह तो राम का है कैकेयी, किंतु तुम ऐसे प्रसन्न हो रही हो जैसे कि भरत की वधू घर आ रही है। ऐसे सज्ज हो रही हो जैसे कि राम तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। माँ कहकर नहीं पुकारा होता ना तो अभी इसी क्षण तुम्हारी जीभ काट देती, वो जीभ जो सदैव शुभ अवसर पर विष उगलती है। एक बात कान खोल के सुन लो मंत्रा, विवाह मेरे पुत्र राम का है, मेरे राम का, समझी तुम? जीभ क्या, गर्दन काट दो ना मेरी, शक्तियों तो नहीं बदलेगा। और तुम जब ठोकर खाओगी ना तब समझोगी, जब राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या स्वयं इस विवाह में नहीं जा रही तो रीतियों की बेड़ियों को तोड़कर महाराज दशरथ तुम्हें वहां कैसे ले जा सकते हैं? रीति तो स्त्रियों के युद्ध में जाने की भी नहीं है रघुवंश में, फिर भी वे मुझे लेकर गए ना, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी सबसे प्रिय पत्नी हूं मैं, राम की सबसे प्रिय माँ। और फिर अगर वहां जाऊंगी तो भरत से भी भेंट कर लूंगी। अब तुम मुझे बातों में मत उलझाओ, शीघ्र मेरी चूड़ामणि ढूंढो। मैं आज एक बार फिर से महाराज को चौंका देना चाहती हूँ। आपने सही कहा था गुरुवर, श्राप के भय से मैं अपनी ही संतान के भविष्य के आड़े आ रहा था। देखिए ना, मेरा राम संसार की सर्वश्रेष्ठ कन्या का वर चुना गया है। यदि उस दिन मैं उसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने से रोकता तो राम शिव धनुष उठाकर मेरा और अयोध्या का गौरव किस प्रकार बढ़ा पाता। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। धन्यवाद महादेव का।
जिन्होंने राम और अयोध्या के साथ साथ हम सबको यह गौरव दिया। जो भूल करने से बच गए उस पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं पुत्र। आओ राम के इस भव्य विवाह की यात्रा प्रारंभ करें। महाराज इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? शीघ्र चलिए, जनक वहां हमारी प्रतीक्षा में है। हम दोनों साथ मिलकर अपने राम के भव्य विवाह को देखेंगे। आज देखिए कैसे अश्वपति की पुत्री महाराज दशरथ के रथ को वायु के वेग से लेकर जाती है। शीघ्र आइए। कैकेयी, ये समय ठिठोली का नहीं है। मुझे विलंब हो रहा है, नीचे आओ। अच्छा तो अब महाराज रीति नीति की दुहाई देकर मुझे रोकने का प्रयास करेंगे। कोई भी रीति या नीति मुझे अपने राम के विवाह में जाने से नहीं रोक सकती महाराज। कौशल्या और सुमित्रा भी राम की मां है, किंतु वो भी तो नहीं जा रही। और फिर परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है। राम के द्वारा धनुष को भंग करने के कारण बहुत से राजाओं के स्वप्न भंग हुए हैं और ईर्ष्या में वो मिथिला और अयोध्या के शत्रु बन बैठे हैं। इसी कारणवश यदि मार्ग में कोई अनहोनी हो गई तो तब तो मेरा जाना और आवश्यक है महाराज, आपकी रक्षा करने के लिए। कैकेयी, मैं अपनी नहीं अयोध्या की बात कर रहा हूं। ना ही तो कोई मेरा पुत्र है और ना ही कोई मंत्री, वो तो केवल तुम। सुमित्रा और कौशल्या परिवार को संभाल सकती हैं, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ तो तुम ही हो कैकेयी। किंतु मेरे राम का विवाह है महाराज, ये अवसर मुझसे मत छीनिए। मैं अपने राम को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ। कैकेयी, धर्म पत्नी हो, धर्म संकट में मत डालो। किंतु मैं तुम्हें इस प्रकार भावुक भी नहीं देख सकता। यदि तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल है तो तुम मिथिला जाओ, मैं यहां रुककर अयोध्या की सुरक्षा देखता हूं। महाराज इतनी स्वार्थी भी नहीं है आपके कहके, जानती हूं आपके राम में आपके प्राण बसते हैं। उसका विवाह देखना आपका सबसे बड़ा स्वप्न है, ये स्वप्न कैसे छीन लूं आपसे? वैसे भी मेरा मन आपसे थोड़ा अधिक कठोर है, ये पीड़ा सह लेगा। आप जाएं महाराज, अपने पुत्र के विवाह का आनंद उठाएं। अयोध्या की रक्षा करने के लिए आपकी कैकेयी है। और महाराज मुझे तो वैसे भी यहां रहकर राम और वधू सीता के स्वागत के प्रबंध करने हैं। ऐसे सजाऊंगी अयोध्या को कि इंद्रलोक की दमक और वैकुंठ की शोभा भी फीकी पड़ जाएगी। प्रिय कैकेयी, ये मेरा वचन है, अगली बार कोई बाधा नहीं होगी। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी और वो हर रीति में सम्मिलित होंगी। आप राम और सीता को मेरा प्रेम दीजिएगा। आप जाए महाराज, विदा।
लग गई ठोकर, अब तो समझ लो तुम ही हो जो राम नाम की रट लगाए फिरती हो। अपने पति के युद्ध में रथ में उंगली फंसाए फिरती हो, किंतु तुम ये नहीं जानती कैकेयी कि महाराज दशरथ के हृदय में केवल उनका ज्येष्ठ पुत्र ही बसता है और वो है राम। उन्हें ना कैकेयी की चिंता है और ना भरत की। कैकेयी, मेरे शब्दों को गांठ बांध लो। वो समय दूर नहीं कैकेयी जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि अयोध्या में तुम्हारे हित के बारे में केवल मैं सोचती हूं, ना राम और ना महाराज दशरथ। तुम्हें मौन रहने का आदेश दिया था ना, तो मौन रहो। सभी कार्यकारियों को सभा में आने का आदेश दिया जाए। स्वागत के प्रबंध निश्चित करने हैं। अयोध्या का भविष्य मेरा राम लौट कर आ रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.